दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको जिन जानवरों से रूबरू करवाने वाले हैं उन्हें जंगल में सबसे बड़े शिकारियों में एक माना जाता है। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जंगल का कोई भी जानवर इनके सामने आने से पहले कम से कम 10 बार तो सोचता ही है, क्योंकि ये अपने शिकार का इतना ज्यादा बुरा हाल करते हैं कि देखने वाले का कलेजा भी फट सकता है। दरअसल आज हम जिन जानवरों के बारे में आपको बताने वाले हैं, इनमें से पहला है मगरमच्छ, जो कि इतना बड़ा शिकारी है अपने पास आने वाले किसी भी शिकार को बिल्कुल भी नहीं बख्शता। तो फिर वहीं पर दूसरा जानवर है कॉमोडो ड्रैगन, जिसे इस दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कहा जाता है। वैसे अगर आप छिपकली शब्द सुनकर अपने घर के अंदर पाई जाने वाली छिपकली से तुलना करते हैं तो जरा रुक जाइए। अगर आप इस बड़ी छिपकली की असलियत जान लेंगे तो फिर आपको देखते ही चक्कर आ जाएंगे। जहाँ पर हमारे घर में पाई जाने वाली छिपकलियों की लंबाई कुछ इंच तक होती है, लेकिन कॉमोडो ड्रैगन यानी कि बड़ी छिपकली वो दानव है जिसकी लंबाई कुछ इंच नहीं बल्कि 10 फीट तक भी पहुँच जाती है, यानी कि एक इंसान से भी लंबा। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये किसी के सामने आ जाएगी तो फिर उसका क्या हाल कर सकती है। वैसे अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें छिपकलियों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है तो फिर वो तो इसे देखते ही बेहोश हो जाएगा। इन दोनों हैवानों के बारे में इतनी जानकारी मिलने के बाद आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ये अपने शिकार का क्या हाल करते होंगे। लेकिन सोचिए कि तब क्या होगा जब ये दोनों किसी और जानवर के नहीं बल्कि एक दूजे के आमने सामने ही आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या मगरमच्छ कॉमोडो ड्रैगन को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो पाएगा या फिर खुद ही कॉमोडो ड्रैगन का शिकार बन जाएगा? चलिए अच्छे से समझते हैं। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले इन जानवरों के बारे में थोड़ा करीब से जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो इसके बारे में हम काफी बातें जानते हैं, जो कि बेहद ही डरावना दिखने वाला ये शिकारी आमतौर पर अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ओशियाना में आसानी से देखने को मिल जाता है। ये दुनिया की उस खास जानवरों में से एक है जो कि पानी और जमीन दोनों पे ही बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यापन करने में माहिर होते हैं। लेकिन अगर चॉइस की बात करें तो इन मगरमच्छों को पानी या दलदली इलाकों के आसपास देखना बहुत ही ज्यादा आम होता है, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियाँ मीठे पानी में तो कुछ खारे पानी में देखी जाती है। इनमें से कुछ को मीठे पानी के मगरमच्छ तो फिर कुछ को खारे पानी के मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है। इसके मुकाबले अगर हम कॉमोडो ड्रैगन के रहने की बात करें तो फिर तो ये दुनिया के काफी कम इलाकों में ही पाया जाता है। इसे मुख्य रूप से इंडोनेशिया के एक आइलैंड कॉमोडो आइलैंड पर पाया जाता है, जहाँ पर ये कॉमोडो ड्रैगन काफी बड़े तादाद पर मौजूद रहते हैं और अक्सर ही कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। कहा जाता है कि इस आइलैंड के नाम पर ही कॉमोडो ड्रैगन का भी नाम रखा गया है। वैसे इस दानव को कॉमोडो ड्रैगन के साथ ही कॉमोडो मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कॉमोडो आइलैंड के अलावा इंडोनेशिया के सुंडा आइलैंड और कुछ दूसरे आइलैंड पर भी ये कॉमोडो दिखाई दे जाते हैं। वैसे आमतौर पर ये जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर शिकार पानी में मौजूद हो तो फिर तो ये वहाँ पर भी जाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करता। अब आगे बढ़ते हुए जरा इन जानवरों के शरीर के बारे में आपको बता देते हैं। पहले अगर हम मगरमच्छ को देखें तो हम आपको बता दें कि मगरमच्छ के शरीर की लंबाई आमतौर पर 5.5 फीट से लेकर 23 फीट तक पहुँच जाती है। तो वहीं पर अगर वजन की बात करें तो फिर इनका वजन 100 किलो से लेकर करीबन 1000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर बात खारे पानी के मगरमच्छ और मीठे पानी के मगरमच्छ की हो तो इनके लंबाई और वजन में काफी ज्यादा फर्क होता है। खारे पानी के मगरमच्छ काफी ज्यादा लंबे और वजनी होते हैं, इसलिए अगर यहाँ पर कॉमोडो ड्रैगन से मुकाबला करना हो तो फिर तो हमें खारे पानी के मगरमच्छ से उसका मुकाबला करवाना होगा। इसके अलावा इन मगरमच्छों का जीवन करीबन 4 साल से लेकर 12 साल तक ही होता है, लेकिन इतने समय के बीच ये दूसरे जानवरों के दिल में बहुत ही ज्यादा खौफ भर देते हैं। चलिए अब जरा कॉमोडो ड्रैगन के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों अगर बात शरीर के आकार की हो तो फिर यहाँ पर ये मगरमच्छ इन कॉमोडो ड्रैगन से 2 कदम आगे ही नजर आते हैं, क्योंकि जहाँ मगरमच्छ 23 फीट तक पहुँच जाते हैं तो फिर वहीं पर कॉमोडो ड्रैगन की लंबाई लगभग 10 फीट तक ही होती है, जबकि ये वजन के मामले में भी करीबन 100 किलो से लेकर 136 किलोग्राम तक ही पहुंच पाते हैं। यानी अगर मगरमच्छ इसके ऊपर बैठ भी जाए तो इसके लिए हिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि केवल शरीर को देखकर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि कौन विजेता होगा, क्योंकि कई बार छोटी दिखने वाली चीज भी बड़े काम कर जाती है। तो फिर चलिए इन दोनों हैवानों की क्वालिटी पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर हम आपके सामने मगरमच्छ को ही लेकर आए हैं। इन शिकारियों को देखने के बाद सबसे पहले किसी की भी नजर इनके डरावने शरीर और खतरनाक जबड़े पर ही जाती है, और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि मगरमच्छ का मजबूत जबड़ा और इसके अंदर मौजूद दांत इनकी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक मगरमच्छ के मुंह में लगभग 60 से 70 दांत होते हैं। ये दांत इतने मजबूत होते हैं कि किसी जानवर का शरीर भी फाड़ने की ताकत रखते हैं।
लेकिन वही एक और चीज जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इनका बाइट फोर्स। दरअसल किसी मगरमच्छ का बाइट फोर्स 3700 PSI का होता है, जो कि इतना ज्यादा है अगर आप इसके सामने स्टील की प्लेट भी रख दें तो फिर ये उसका कचुंबर निकाल सकता है। जरा सोचिए कि ये अपने शिकार के साथ क्या कर सकता है। वैसे इस बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं इस खतरनाक छिपकली कोमोडो ड्रैगन के पास। तो फिर आपको बता दें कि इस कोमोडो ड्रैगन के जबड़ों में करीब 60 दांत पाए जाते हैं। ये इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि जो कि अपने शिकार को पल भर में ही खत्म करने की ताकत रखते हैं। वहीं अगर इनके बाइट फोर्स की बात करें तो कोमोडो ड्रैगन का बाइट फोर्स करीबन 500 PSI से लेकर 600 PSI तक होता है। जब ये शैतान इतने बाइट फोर्स के साथ अपने शैतान पर लपकता है तो फिर तो ये उसकी जान तक निकाल देता है। इन कोमोडो ड्रैगन के मुंह के एक और खास बात है, ये अपने जबड़ों को काफी अधिक फैलाने में सक्षम होता है, जिसके चलते ये बड़े शिकार को भी अपने मुंह में फंसा लेता है। तो फिर वहीं कोमोडो ड्रैगन के लिए ये भी कहा जा सकता है कि ये एक बार में अपने कुल वजन का लगभग 80% तक खा सकते हैं। हालांकि यहाँ तक तो हमें विनर मगरमच्छ ही नजर आ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। हमने यहाँ पर इनके शरीर और जबड़े के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन इनमें अभी भी कुछ बातें हैं जिनसे रूबरू होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इनमें पहला है दोनों जानवरों की स्पीड। तो फिर आपको बता दें कि किसी भी मगरमच्छ की रफ्तार करीबन 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन वहीं अगर आप पानी में तैरते हुए इसकी स्पीड को देखेंगे तो और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पानी के अंदर किसी भी मगरमच्छ की ये रफ्तार करीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। यही नहीं बल्कि मगरमच्छ पानी में रहने में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि अगर एक बार ये पानी में चले जाएं तो करीबन 1 घंटे तक पानी के अंदर ही रह सकते हैं। वहीं अगर हम इस बड़ी छिपकली की बात करें तो ये शिकारी जितना ज्यादा जमीन पर एक्टिव होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक ये पानी में भी हो सकता है। कोमोडो ड्रैगन पानी के अंदर करीबन 1000 फीट तक बिना रुके तैर सकते हैं। हालांकि ये बेहद ही अच्छे स्विमर साबित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी तेजी से पानी के अंदर तैर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर जमीन के ऊपर आप इनकी रफ्तार को देखेंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये कोमोडो ड्रैगन जमीन पर करीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। वैसे ये स्पीड भी काफी ज्यादा है, क्योंकि हम इंसानों की औसतन रफ्तार करीबन 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। यानी कि अगर ये शिकारी हमारे पीछे पड़ जाए तो हमारे लिए इससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बात अगर मगरमच्छ की करें तो इसे जंगल के सबसे समझदार जानवरों में से एक माना जाता है, क्योंकि अक्सर ही ये पानी के अंदर बैठकर अपने शिकार के पास आने का बहुत ही महत्वपूर्ण मौका ढूंढता है। और जब इसे हमला करने का एक सही मौका मिलता है तो फिर ये बिजली की रफ्तार से अपने शिकार पर लपक जाता है और उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले जाकर डुबा देता है। इसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि शिकार कोई छोटा जानवर है या फिर कोई बड़ा, इसे जब भूख लगती है तो ये सिर्फ हमला करना जानता है। एक बार जब मगरमच्छ अपने शिकार को पानी में ले जाता है तो फिर उसे पकड़कर जोर जोर से रोल करना शुरू कर देता है, ताकि अपने शिकार को मारकर उसके शरीर को तोड़ सके। मगरमच्छ के इस चाल को डेथ रोल टेक्निक कहा जाता है। इसकी ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इससे बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वहीं अगर हम इस बड़ी छिपकली को देखें तो ये अपने शिकार पर हमला करते वक्त अपने नुकीले दांतों और अपने मजबूत दांत का इस्तेमाल करता है। ये अपने शिकार पर अपने दांतों को कुछ ऐसे गड़ाता है कि बेचारे शिकार का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर शिकार इससे भागने की कोशिश भी करे तो फिर तो ये भी उसके पीछे पड़ जाता है, और जैसे ही शिकार इसके हाथ लगता है तो फिर वैसे ही ये उसके शरीर को तोड़ कर रख देता है। वैसे कोमोडो के शरीर की एक और खासियत जो कि इसको बहुत ही ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि इनके शरीर में एक जहर पाया जाता है जो कि इनके लार्वा में बैक्टीरिया के रूप में मौजूद होता है। ये जहर इतना ज्यादा घातक होता है कि अगर कोमोडो का शिकार इसकी पकड़ से छूट जाए तो फिर जहर के चलते उसकी मौत हो जाएगी। दोनों जानवरों के बारे में जानकारियां तो हम सभी ने हासिल कर लिया, लेकिन अब वक्त है दोनों के बीच मुकाबले का और इसके परिणाम पर पहुंचने का। मगरमच्छ और कोमोडो ड्रैगन के ताकत और हमलों के बारे में जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो फिर तो इसका विजेता मगरमच्छ ही होगा, क्योंकि मगरमच्छ तो उसे वजन और लंबाई में भी बड़ा है, बल्कि मगरमच्छ के जबड़े में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो कोमोडो को बड़ी ही आसानी से मौत की नींद सुला सकता है। अगर ये कोमोडो मगरमच्छ पर हमला भी करे तो फिर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मगरमच्छ की खाल इतनी ज्यादा मोटी होती है कि उसे आसानी से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। तो दोस्तों, हम तो इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर तो मगरमच्छ ही विनर है, लेकिन आपको इस लड़ाई के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना।